अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ के नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं 5 क्लास के। अभी 5 क्लास के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। कि ये देखेंगे फर्स्ट में कहता है कि फर्स्ट एमसीक्यूज द टेम्परेचर ऑफ द समर वीक। समर वीक के टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हैं। आप लोगों ने इसके एवरेज फाइंड करना है। एवरेज के लिए अगर आप लोगों को जो भी नंबर गिवन होंगे, आप लोगों ने उन नंबर्स को ऐड कर लेना है। ऐड करके जितने भी नंबर होंगे उन पे डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास एवरेज आ जाएगा। ओके, एवरेज का फार्मूला याद रखना है। एवरेज के लिए आप लोगों ने जो नंबर्स गिवन होंगे उनको डिवाइड कर देना है, जितने भी नंबर गिवन होंगे उतने नंबर्स पर। नेक्स्ट देखते हैं कि मीटर इज। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि किलोमीटर इक्वल होता है 1000 के। अभी 1000 पूछ रहा है, 1000 मीटर किसके इक्वल है, तो किलोमीटर के इक्वल ही होगा, याद रखना है। ठीक है, मीटर के इक्वल होता है, ये देखें इधर लिखा भी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा उसके अंदर 30 को ऐड कर देना है। ये देखें 210 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं कि अ सेकंड इज यूनिट ऑफ द टाइम, व्हाट इज 1/6 इज 1/6 इज क्या होगा मिनट्स। 1 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। अच्छा, इसके अंदर पूछ रहे थे आर मंथ इन द 2 ईयर, 2 साल में कितने महीने होते हैं। 1 साल में 12, तो 2 साल में 12 को 12 से जमा कर लो तो कितने बच जाएंगे, 24। ओके, अब इसमें पूछ रहे हैं नेक्स्ट में द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अभी ये था कि पीछे 5 ओवर, ये देखें इधर लिखा हुआ है 5/9, 5/9 सी प्लस 32। इससे ना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी इधर हमने आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि सी में कैलकुलेट करना है, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो भी होगा वो 37 होता है। इस फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 kg कितने ग्राम्स के इक्वल होती है, 1000 के। ठीक है, अब इसके अंदर कहते हैं कि आज स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे, एंड एंड होता है 3 बजे। स्कूल कितने बजे लगता है, 8 बजे, और छुट्टी होती है 3 बजे। दे आर द 8 सेशन ईच डे। अच्छा, कहते हैं कि 8 सेशन होते हैं ईच डे में, विद अ ब्रेक ऑफ द हाफ आवर, आधे घंटे की ब्रेक होती है। तो व्हाट द टाइम ऑफ द ईच सेशन, हर सेशन में कितना टाइम लगता है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अभी ये देखिए नीचे इसका सोल्यूशन गिवन है कि हर सेशन में कितना मिनट लगेंगे। 8 से 3 तक लगा तो टोटल कितने हो गए, 7 आवर्स, उसमें से हमने ब्रेक के निकालने के बाद 7 आवर्स में मिनट्स कितने हो गए, 420 मिनट। अब 30 मिनट ब्रेक के निकाल दो, 420 में से 30 मिनट ब्रेक के निकाल दो, कितने रह गए, 390। टोटल सेशन कितने हैं, 8, और 390 को किस पे डिवाइड कर दो, 8 पे। अभी हमें इसमें पूछा हुआ था कि हमारा इस क्वेश्चन में, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर इसमें पूछा हुआ है कि स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे और वो एंड होता है 3 बजे। ठीक है, और टोटल सेशन कितनी है, 8, उसमें कितने मिनट्स की ब्रेक होती है, 30 मिनट की ब्रेक होती है। तो इसमें आप लोगों ने टोटल टाइम बताना है कि कितने टाइम वो इस सेशन को मिलेगा। ये देखें 427 आवर्स का टाइम बन जाएगा, 30 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 390 बच जाएगा। अब 390 को 8 सेशन है तो 8 पे डिवाइड कर देना, कितना बच गया, 4.87।
इसमें देखिए नेक्स्ट में क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग इज, टेम्परेचर कितना है संडे मॉर्निंग का, ये आफ्टरनून का ये और इवनिंग का इतना। अभी मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि कोई भी गिवन टेम्परेचर्स हों तो आप लोग उनका क्या कर लें, एवरेज ले लें। एवरेज का फार्मूला ये होगा, दो नंबर हो, चार नंबर हो, पांच नंबर हो, जितने भी नंबर्स गिवन हो आप लोगों ने उनको क्या कर देना है, ऐड करके टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये फॉरनहाइट में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट में अभी इसको देखते हैं कि सोल्यूशन 5/7, ये इसका फार्मूला है, एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करने से ये आंसर आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरनहाइट में। ये देखें ये वाला फार्मूला मेन आप लोगों ने याद कर लेना है इसका। आज हमने बस इतने से क्वेश्चंस करने थे, नेक्स्ट जो रहते हैं वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे।